नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी पत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आपका बाजार में आपका स्वागत है। आपकी तमाम क्वेरीज को हमें शामिल करेंगे, जो दिन भर का एक्शन रह सकता है उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे, फिर चाहे वायदा बाजार हो या फिर मोमेंटम स्टॉक्स हो, पोजिशनल कॉल्स भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं निफ्टी लेवल से। सुबह से एक कंसोलिडेशन का फेज मार्केट्स में देखा जा रहा है और अब दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार आ चुके हैं। 44 अंक की कमजोरी के साथ निफ्टी डे लो पर है, 8250 के स्तर को भी तोड़ चुका है और अब 8229 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स यहाँ भी एक आधा परसेंट ज्यादा की वीकनेस देखी जा रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का बायस पॉजिटिव है लेकिन इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, बहुत ज्यादा तेजी यहाँ भी नहीं देखी जा रही है। निफ्टी बैंक करीब करीब 1/4% कमजोरी लेकर कामकाज कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो कि आज मोमेंटम में है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर है, एनटीपीसी, टाटा पावर, बीपीसीएल, ओएनजीसी, जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर खरीदारी देखी है। साथ ही कुछ और परफॉर्मर्स निफ्टी 51 के, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, हिंडालको और टाटा स्टील है। लूजर्स को भी देख लेते हैं, जहां कमजोरी देखी जा रही है उनमें डॉक्टर रेड्डीज, इंफोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, ल्यूपिन और एशियन पेंट है। बाकी कुछ और लूजर्स निफ्टी 51 से ही, जहां पर वीकनेस आज के सत्र में, उनमें इन स्टॉक्स के अलावा भी जो दो शेयर्स हैं उनमें एचयूएल, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटो कॉर्प और टेक महिंद्रा हैं। कुछ प्रसाइज पॉकेट्स हैं जो कि आज वीक मार्केट में परफॉर्म कर रही हैं। एनर्जी स्टॉक्स का आप हाल देखिए, अच्छी खरीदारी इस पूरी स्पेस में देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड लगातार तेजी दिखा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में $52 के पार है और ये सभी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही आज के सेशन में एनर्जी स्टॉक्स के अलावा आप देखिए पावर स्टॉक्स में खरीदारी, कोल लिंकेज, पावर सेक्टर के लिए कोल लिंकेज के ऑक्शन जल्द हो सकते हैं, जल्द कैबिनेट पर प्रस्ताव जा सकता है और पूरा ही पावर स्पेस बजिंग है आज के सत्र में। डायमंड पावर, वेल इग्नाइट, टाटा पावर या खरीदारी दिख रही। पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग है, हिंद कॉपर, आईटीआई, एचएमटी, ड्रेजिंग कॉप, एसटीसी में जोरदार खरीदारी आज के सेशन में देखी जा रही है। साथ ही आज के सेशन में चुनिंदा मेटल स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं मेटल पॉकेट से वो आपकी स्क्रीन पर है। सेल, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, नालको और टाटा मेटल एक्स हैं। एक एक करें कुछ प्रसाइज स्टॉक्स भी देख लेते हैं। शिपिंग शेयर में भी हालांकि आज के सत्र में बढ़त दिखी है, एबीजी शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मर्केटा ये परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए आज के सेशन में जीपी पेट्रो को आज का सुपर शेयर 9:30 बजे आपको दिया गया, दिन के उच्चतम स्तरों को अभी भी होल्ड कर रहा है। साथ ही आप देखिए एमएमटीसी, जी बिजनेस की अगेन एक्सक्लूसिव खबर, बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, न्यूक्लियर इंपोर्ट ऑर्डर, स्टॉक 16% की मजबूती लेकर अगेन हाई पर ट्रेड कर रहा है। इंफोसिस सुबह स्टॉक्स फास्ट 50 में बिकवाली की राय दी भी गई थी। इंफोसिस के सीईओ की जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें उन्होंने आने वाली तिमाहियों को लेकर एक वॉलेटिलिटी जाहिर की और कहा है कि एनर्जी सेक्टर से क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है, ऐसे में कमजोरी रिफ्लेक्ट हो सकती है आने वाले अर्निंग्स पर भी। हिंद कॉपर, पीएसयू स्टॉक्स में बाई है और ये स्टॉक लीड कर रहा है 12% की तेजी लेकर 53 के लेवल्स पर। टी स्टॉक्स चाय नीलामी की जो प्राइसेस है वो 3 मंथ्स के हायर लेवल्स पर रहे, इसलिए टी स्टॉक्स बजिंग है। जयश्री 7.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। एब्सोल्युटली, चलिए और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ गौरांग शाह है और साथ ही आशीष दानी भी हैं जो कि आज के सेशन में आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। और इसी के साथ आपको बता देते हैं अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है, उठाइए अपना फोन और एसएमएस के जरिए हमें अपनी क्वेरीज भेज दीजिए। शेयर लिखिए हमारा कीवर्ड है, उसके बाद अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 1800 1803545 और ऑल्टरनेट लाइन है 01204258237। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7840020000 पर। आप हमें अपना शेयर लिखिए, उसका भाव लिखिए और क्वांटिटी, ये सभी डिटेल्स लिखकर तुरंत ही भेज दीजिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की और हमारे साथ आज का पहले सवाल के लिए नोएडा से एसएन गुप्ता फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता, बताइए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग जी। जी सिप्ला है मेरे पास में 50 शेयर, 683 पर है, राइट। सन फार्मा है 60 शेयर, 896 पर। 896 पर, आपका नजरिया क्या है दोनों पर ही? मीडियम टर्म, मीडियम टर्म का आपका लॉन्ग यहाँ पर नजरिया है, ठीक है, आपको दोनों पर ही राय दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग गौरांग, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। पहले दर्शक के दोनों क्वेश्चंस जो है वो फार्मा इंडस्ट्री से, आज फार्मा क्षेत्र में काफी वीकनेस देखने को मिली है लेकिन दिग्गज शेयरों में इन्होंने निवेश किया हुआ है। सिप्ला में इन्होंने निवेश किया हुआ है जहां पर 683 के परचेजिंग प्राइस के साथ इनके पास करीब 50 शेयर्स है। साथ ही सन फार्मा में भी इन्होंने 896 के भाव पर निवेश किया हुआ है। मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से इनको क्या सलाह देंगे आप? को डिस्क्लोजर हमारे तरफ से ये है कि सन फार्मा और सिप्ला दोनों पर ही हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। हालांकि थोड़े ऊपरे स्तर पर इन्होंने दोनों में खरीदारी बिल्कुल की है लेकिन सिप्ला में जिस तरीके के हम स्तर देख रहे हैं जहां पर काफ़ी निचला स्तर है वहां पर मैं इनको राय दूंगा कि अगर ये चाहें तो जो 50 शेयर इनके पास उसमें से अगर पूंजी है तो 25 शेयर या 50 शेयर जो भी ये लेना चाहे एवरेज करें, जो मध्यम अवधि का नज़रिया है उसको बढ़ा करके लंबी अवधि का करें। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो नतीजे आने के पश्चात जो निचला स्तर हमने देखा है
एक कंसोलिडेशन का माहौल सिप्ला में हम देख रहे हैं, उसी तरीके से हमने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन सन फार्मा में देखा है। तो नजरिया लंबी अवधि का कर दें और चाहे तो सिप्ला में और सन फार्मा में दोनों में ही एवरेज कर सकते हैं। चलिए राय आपको दी गई सिप्ला सन फार्मा दोनों स्टॉक्स पर। अगले कॉलर सत्या है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। सत्या गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैडम गुड मॉर्निंग, मेरे पास 2000 शेयर है NMDC के, 6 महीने हो गए उस पे रुके हुए मेरे को। आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 112 रुपए। ठीक है, नुकसान हो रहा है आपको थोड़ा सा, हालांकि ये स्टॉक ने हाल ही में मूव दिया भी है बायबैक की खबरों के बीच में, और अब तो अप्रूवल मिल भी चुका है बायबैक का NMDC मॉइल दोनों ही कंपनियों को। लेकिन प्रिसाइसली आशीष, NMDC पर क्या अप्रोच इनको रखनी चाहिए? 112 रुपए की खरीद है, स्टॉक 9140 पर ट्रेड करा है, रिकवर हुआ है लोअर लेवल से हाल ही के, लेकिन अभी भी इनके परचेसिंग प्राइस से नीचे है, क्या करें? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली आप इसका सेटअप देखें तो 80 रुपये के आसपास इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, और अभी इसने टेस्ट भी किया था 100 रुपये का लेवल और थोड़ा सा नीचे, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। इनका प्राइस दिख जाएगा, अगर ये एक साल भी रखते हैं तो मेरे ख्याल से 125-130 का लेवल दिख जाएगा, तो होल्ड करना चाहिए इनको। ऑलराइट, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो हरे निशान पे ही NMDC का शेयर जो है कामकाज करते हुए नजर आ रहा है 91.60 के लेवल्स पर। अगले सवाल के लिए हमारे साथ कर्नाटका से अब रघु जुड़ चुके हैं। नमस्कार रघु, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास अदानी पावर का है, लिया था शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपने अदानी पावर के शेयर में निवेश किया? उसका कुछ रिपोर्ट में सुनवा ये ऐसा सुना है, इसलिए उसके बारे में कुछ बता दूंगा। किसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? अदानी पावर का रिपोर्ट में कुछ सुनवाई है आज का डेट में कुछ चल रहे थे। राइट, ठीक है, हम आपको सुनवाई के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फटाफट से आपको राय दिलवा देते हैं। 31 के लेवल्स पर इन्होंने 10,000 शेयर्स में निवेश किया हुआ है, गौरांग फिलहाल उसी के लेवल्स के आसपास अभी चल रहा है। सलाह क्या होगी आपकी अदानी पावर पर? साक्षी, हमने रिड्यूस यानी कि कम करने की राय दी है, और इनका निवेश 31 पर और 30 के 30.5 के आसपास मौजूदा स्तर, और ये जो सुनवाई को लेकर के ये बात कर रहे हैं इसके बारे में तो मालूमात अभी नहीं है, जब भी आउटकम आएगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन अगर ऊर्जा उत्पादन में आपको कहीं पर निवेश करना है तो NTPC पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज पिछले 1-2 दिनों में अच्छा ऊपर की तरफ का दायरा हमने देखा, और इसके साथ साथ पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा है, जहाँ पर पावर ग्रिड और REC जैसी कंपनियों पर भी हमारी खरीदारी की कवायद है, तो ये चाहे तो बदलाव कर सकते हैं जी। तो अदानी पावर के बजाय अगर पावर स्पेस में आपका एक्सपोजर लेना है तो गौरांग मानते हैं NTPC आप चुन सकते हैं। अगली क्वेरी को एड्रेस करते हैं, और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है निधि दिल्ली से। अगेन पावर स्टॉक ही है इनके पास भी। निधि गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है पूछें? गुड मॉर्निंग, एक्चुअली अबाउट टाटा पावर एट 64। ओके, सो आई वांट टू कंफर्म आई हैव 50 शेयर्स। अनदर क्वेश्चन इज अबाउट SBIL। व्हाट इज द सेकंड स्टॉक? SBIL, आई बॉट 100 एट 96.99। ओके, व्हाट्स द परचेसिंग प्राइस? 199। द क्वांटिटी इज 100 एंड द परचेसिंग प्राइस 96.99 for You're talking about HDIL, the realty company? Yeah. Okay. Yes. Okay, perfect. क्या सलाह होगी आपकी आशीष? HDIL यहाँ पर 96 इनका खरीद भाव है, स्टॉक जो है वो करीब 97 पर ट्रेड करें, इनके परचेसिंग प्राइस से ऊपर है। टाटा पार में इनफैक्ट इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, और टाटा पार इनका जो खरीद भाव है वो 64 रुपए का है, और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आप करीब 76 रुपए पर आ चुका है। बीते 2-3 सेशन में इसने काफी अच्छा मूव दिया। आज खबर भी है पूरे पावर स्पेस को लेकर कि कोल लिंकेज के लिए जो पावर सेक्टर के लिए जो कोल लिंकेज ऑप्शन है वो जल्द शुरू हो सकता है, और जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। क्या करना चाहिए इनको टाटा पावर में? मुनाफा समेट लें या फिर होल्ड रखें? और दूसरा HDIL यहां पर क्या करें? मेरे ख्याल से दोनों में इनको होल्ड की सराय, पहले HDIL की मैं बात करूंगा। अगर ये मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं और मुझे जैसा लग रहा है कि ये मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो इनको होल्ड करना चाहिए। अभी पूरा रियल्टी स्पेस मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट रनम उसमें स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ है, और मेरे ख्याल से पॉजिटिव आउटलुक कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस ने भी पिछले कुछ टाइम में DLF वगैरह में एक पॉजिटिव आउटलुक बताया था। IB रियल स्टेट को आप देखें, HDIL को देखें, ये एक मल्टी ईयर
लो से कंसोलिडेट होके निकले ना, अगर आप उनका ईयरली चार्ट्स लगाएं तो मेरे ख्याल से अभी भी कैचअप होना बहुत ज़्यादा बाकी। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इनके होल्ड करने में ज़्यादा फेवरेबल है। अगर ये एक साल तक होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से इनको SDIL में कुछ 130 रुपये का रेट मिल जाएगा। टाटा पावर में भी इनको होल्ड करने की सलाह है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, न्यूज़ फ्लो बहुत अच्छा होकर आ रहा है और टाटा पावर एक लीडिंग कंपनी पूरे पावर पैक में अगर आप बात करें तो। मेरे ख्याल से टाटा पावर और इसमें दोनों होल्ड करने की सलाह है। टाटा पावर मुझे लगता है कुछ 90 रुपये तक के लेवल ये देख सकते हैं एक साल में। एब्सोल्युटली, तो चलिए दोनों ही शेयर्स पर अब आपको राय भी मिल चुकी है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जहां पर आज नजर रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं GST पर अब हो सकता है मॉनसून सेशन से पहले ही सहमति बनती हुई नजर आए। 14 और 15 जून को एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें स्टेट FMs की एक बैठक होने वाली है और कहीं ना कहीं GST पर सहमति इस बैठक पर मिलती हुई नजर आ सकती है। इस पूरी खबर को समझाने के लिए अब संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप बताइए क्या है पूरी खबर? शुक्रिया साक्षी, माना जा रहा है कि GST को लेकर जो गतिविधि है वो काफ़ी तेज़ होगी और जैसे आप बता रही थी कि स्टेट्स के जो FMs हैं उनके पैनल की एक बैठक होने वाली है 14 से 15 जून को और माना जा रहा है कि शायद वहां पे GST को लेकर जितनी भी अड़चने हैं, जितनी भी जो मतभेद हैं उनको शायद सुलझा लिया जाएगा और GST के फ्रंट पर एक बड़ा कदम वहां पर देखने को मिल सकता है। बैठक में GST के लिए माना जा रहा है कि एक जो मॉडल लॉ है उसके ऊपर एक चर्चा होने वाली है और इसके लिए पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री हैं अमित मित्रा, उनको दरअसल इस पैनल का एक अध्यक्ष चुना गया है और वो दरअसल जो सहमति है इस पूरे बिल को लेकर जितने स्टेट्स के राज्य वित्त मंत्री होंगे उनके बीच में एक सहमति बनाने की कोशिश वो करेंगे। GST की तैयारी काम है वो दरअसल अमित मित्रा को सौंपा गया और माना जा रहा है कि चूंकि ये जो बिल पास होना है उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होना है, तो उससे पहले अगर आप देखें काफी सारे ऐसी स्टेट्स हैं जो कि काफी सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो रेज कर रहे हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए माना जा रहा है कि जो पैनल की बैठक होने वाली है उसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको दूर करने की बात यहाँ पे की जाएगी। और आपको बता दें एक बड़ा जो इस फ्रंट पे जो बड़ी खबर हुई है वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि जो पश्चिम बंगाल है वो दरअसल इस बिल के समर्थन में आएगा और माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी सरकार के पास पर्याप्त नंबर्स हैं, तो ये जो बैठक होने वाली है उसमें अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाते हैं तो GST पैसेज होने में एक बड़ा कदम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 14 जो 15 तारीख की जो बैठक होने वाली है वो माना जा रहा है काफी अहम होने वाली है और GST पास होने के की ओर एक और कदम की ओर देखा जा रहा है इस चीज को। शुक्रिया आपका संदीप, तो इम्पोर्टेंट रहेगी 15 जून को होने वाली बैठक GST बिल के पर्सपेक्टिव से। हाल ही के जो राज्य चुनावों के नतीजे हैं उसके बाद से जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं गवर्नमेंट की ओर से, फिर चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, वो काफी स्ट्रांग नंबर स्टेटमेंट्स उनकी ओर से आए जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले सत्र में वो GST बिल पास करा पाएंगे और इसी वजह से हमने देखा भी कि लॉजिस्टिक स्टॉक्स लगातार मूव में है। आज ही ये स्पेस नहीं चल रहा है, बीते कई सत्रों से लगातार जो बायर्स है जो ट्रेडर्स हैं वो इन शेयरों पर दाव लगा रहे हैं।